में आप अगर शिव भगवान जी की मूर्ति देख रहे हैं तो दोस्तों ये सपना कैसे रहने वाला है? ये अगर आप श्रद्धा से जिस भी देवी देवता को पूजते हैं, और महादेव तो बहुत कृपा करने वाले देवता हैं, महादेव की शिव जी भगवान की पूजा पाठ करते हैं और विश्वास करते हैं, तो अगर आपको सपना आया है तो आपके लिए ये बहुत शुभ है और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं। अगर आप पूजा करते या नहीं करते तो अगर आप करके देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। अगर शंकर भगवान जी शिव जी की आपने मूर्ति सपने में देखी है, किसी भी प्रकार देखी है, बड़ी देखी है छोटी देखी है, तो कहीं ना कहीं पहली बात तो आप शंकर जी भगवान को मानते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, तब आया है, तब आपका सपना ये आया है, तो आपकी जो जो है काम कोई ना कोई बनेगा। कोई ना कहीं से आप मुसीबत से आप कहीं चल रहे हैं, कहीं तंगी चल रही है, उससे आपका पीछा छूटेगा। ऐसा सपने शास्त्र में भी बताया गया कि शंकर भगवान या फिर किसी भी आप इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं, जिसका आप ध्यान करते हैं, वो आपको सपने के दिखाई देता है, तो आपके आने वाले समय में काम बन जाएंगे, जिसमें दोस्तों उस तरीके काम बनेंगे जिसमें आपको रियल में कोई परेशानी आ रही है। जिंदगी में काम बहुत होते हैं, लेकिन जो बड़े काम होते हैं उनमें आपको सफलता मिल जाएगी। अगर मैं अपना अनुभव भी बताऊं और सपने शास्त्र के हिसाब से तो शुभ माना ही गया है। अब दोस्तों ये अगर सपना 5 बजे के अंदर या 2 बजे के अंदर, जैसे रात को 2 बजे और 5 बजे के बीच में या ब्रह्म मुहूर्त में आया है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ सपना है। आप जिस भी काम में हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो भी संसार के चीज़ें हैं उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी, एक आध काम में जिसमें आप ज़्यादा उलझने, और सदैव आप कर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप इस तरीके से पूजा पाठ विश्वास से करते हैं तो ओवरऑल ये सपना शुभ है। और आप अगर भोले बाबा को मानते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखिए जय भोले बाबा, या फिर जिस भी तरीके से आप लिखते हैं लिखिए। तो दो ओवरऑल ये मैं अपने अनुभव के साथ और जो मैंने चीज़ें इस चैनल पर डाली है वो दोस्तों आपको पता है सपन शास्त्र साइंस के हिसाब से डाली है, लेकिन ये वीडियोस मैंने थोड़ा अपना अनुभव भी ऐड करके आपको बताया है। और आपको कभी शंकर भगवान जी का सपना आया है और आप शेयर करना चाहते हैं जिससे कि और बंदों को भी पता चले, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। इस तरीके से दोस्तों आपके लिए ये सपना शुभ ही माना गया है, और आप इष्ट देव शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आप पर हमेशा कृपा बनी ही रहेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, इस तरीके का अनुभव भी हम आपको बताएंगे अपने चैनल के जरिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओवरऑल धर्म शास्त्र से हम यहाँ पर वीडियोस डालते हैं जो शुभ मुहूर्त होते हैं, व्रत के बारे में, इस तरीके से हम आपसे इस यहाँ पर वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।